और इस सब को मैं मिक्स कर लेता हूँ और ये हम स्पोर्ट के अंदर यूज करेंगे आई थिंक। अब ये जो है, नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बॉम्ब से फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों नींबू के प्लांट के ऊपर काफी क्वेरी रहती थी कि नींबू का प्लांट हम क्या पॉट में लगा सकते, तो आज हम एक नींबू का प्लांट जो है इस पॉट में शिफ्ट करेंगे और कैसे और कैसा सोइल हम इसके अंदर रखेंगे और कैसे इसकी हम केयर करेंगे, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। ये जो लेमन का जो ट्री दिख रहा है, ये बिना बीज का जो नींबू है, ये वो है जो मंदिर वाले एरिया में है, उसकी कटिंग से हमने इसको ग्रो किया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा कि इस कटिंग से हमने कैसे ग्रो किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सोइल है, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि कौन सा सोइल मैं इसमें यूज करूंगा। दोस्तों इसके अंदर मैंने एक पार्ट जो ये है, ये पत्तियों की खाद है जो हमने तैयार की थी और इसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा कि पत्तियों की खाद हमने कैसे तैयार की थी तो इसका लिंक जो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। पत्तियों की खाद का जो बारीक हिस्सा था ये वो है, जो मोटा हिस्सा था वो हमने बोनसाई सोइल के लिए रख दिया है, तो ये हम इस प्लांट के अंदर यूज करेंगे। ये अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप ये यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसके अंदर कोकोपीट जो है वो यूज नहीं कर रहा, तो पत्तियों की खाद जो है वो यूज कर रहा हूँ। इससे क्या नमी बनी रहेगी सोइल के अंदर। दूसरा जो ये है, ये हमारे जो गोबर की खाद है वो है, ये क्या प्योर गोबर की खाद नहीं है। इसके अंदर जो मिट्टी है वो, यानी कि जो गोबर की खाद काफी दिन तक खेत में रहती है उसके अंदर क्या मिट्टी बन जाती है कुछ खाद, तो इसमें कुछ हिस्सा खाद का है कुछ इसमें मिट्टी भी है। ये जो है ये प्योर खाद है गोबर की जो हमने खेत में तैयार की है वो वाली, तो ये मैंने थोड़ी सी लिया, यानी कि इनसे आधा से भी आधा हिस्सा जो है इसका है। और जो ये दिख रही है बालू रेत है हमारे यहाँ पे, जो बालू रेत है वो, और इस सब को मैं मिक्स कर लेता हूँ और ये हम इस पॉट के अंदर यूज करेंगे। तो पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। पॉट के अंदर आप जब भी कभी कोई भी प्लांट लगाएं तो ये ध्यान रखें कि पॉट के अंदर मिट्टी कम होती है, तो उसके लिए क्या है आपको पॉट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो जरूरी है कि प्लांट को अच्छे से मिले। तो उसके लिए आप जो भी सोइल यूज करें उसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छा हो, इस चीज का आप ख्याल रखें, क्योंकि जमीन में प्लांट क्या है अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन क्योंकि उसको जमीन से जो न्यूट्रिएंट्स वो मिल जाते हैं, लेकिन जब पॉट में लगाते हैं तो हमें उसको मैन्युअली जो है जो न्यूट्रिएंट्स है वो देने होते हैं। और इसके साथ साथ ये नहीं कि हमने ये सोइल यूज कर लिया तो उसके बाद हम कुछ नहीं देंगे, आगे इसके अंदर जो लिक्विड फर्टिलाइजर है वो हम ऐड करते रहेंगे और बाद में टाइम टू टाइम इसको गोबरी खाद जो है गुड़ाई करके वो देते रहेंगे। और दोस्तों जब भी आप कोई भी प्लांट जो फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए के जो पॉट है वो अगर मिट्टी का मिलता है तो सबसे बेस्ट होता है। मैं इसको क्या, मेरे पास एक पुराना पॉट था मिट्टी का, मैं उसमें इसको लगाने वाला हूँ, क्योंकि इसकी जो रूट्स है इसको क्या है सोइल के अंदर अगर नमी रहेगी तो अच्छे से ग्रो करता है। और इसके लिए अगर हो सके तो जो पॉट है उसकी गहराई ज़्यादा चाहिए ना हो, लेकिन चौड़ाई अच्छी हो, क्योंकि इसकी जो रूट्स है फाइबर रूट्स इसमें ज़्यादा होती है जो कि साइडों में ग्रो करती है, टैप रूट इसमें नहीं होती, फाइबर रूट्स होती है। तो ऐसा पॉट लें जिसकी चौड़ाई अच्छी हो। अभी फिलहाल मैं इसमें इसको ज़्यादा बड़े पॉट के अंदर नहीं लगा रहा, एक छोटा पॉट है, आई थिंक ये 8 या 10 इंची का पॉट होगा, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है वो ज्यादा है तो इसी में हम इसको लगाएंगे। तो जो सोइल है वो मैंने मिक्स कर लिया है, तो ये वाला जो पॉट है वो हम यूज करेंगे। और इस पॉट के अंदर क्या है, सबसे पहले जो होल है इसके अंदर, इस होल पर हम जो एक जाली जो है वो लगा देंगे ताकि सोइल हमारा जो है वो कटे नहीं। ये जाली क्या है, जो पोटैटो है वो आता है इसके अंदर, तो मैं इसलिए रख लेता हूँ ताकि हमारे जब प्लांट हम लगाएं तो उसमें काम आ जाए। तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा जो है होल पे हम रख देंगे, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद जो सोइल है इसके अंदर वो ऐड करेंगे। मैंने थोड़ा सा सोइल इसके अंदर ऐड कर लिया है, देखिए इतना। और इसके बाद जो पॉट जो प्लांट है हमारा, इसको हम लगा के देखते हैं। पॉलीबैग के अंदर इसको हमने तैयार किया था कटिंग से, उसके बाद मैंने इस पॉलीबैग को क्या मिट्टी में दबा दिया, इसलिए इसकी जो रूट्स है देखिए मिट्टी के अंदर काफ़ी अच्छे से ग्रो कर गई, क्योंकि फाइबर रूट्स है तो साइडों में फैलती है। अब इस पॉलीबैग को निकालेंगे और फिर इसको लगाएंगे ताकि इसकी जो रूट्स है और अच्छे से ग्रो कर पाए। इस पॉलीबैग को हमें रिमूव करना होगा, तो इसको हमें फाड़ना होगा यहाँ से, क्योंकि ये जो है रूट्स ज़्यादा फैल गई है, तो पॉलीथीन को हम वैसे नहीं निकाल पाएंगे जिससे कि पॉलीथीन दोबारा से यूज़ हो पाए। रूट्स इस पर काफ़ी अच्छे से हैं। और कटिंग से अगर आपको जो लेमन ट्री ग्रो करना है तो आप कर सकते हैं। जो बिना बीज के जो नींबू का जो प्लांट है ये कटिंग से लग जाता है और 2 से 3 साल में इसमें जो फ्रूटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो हमारा दूसरा जो देसी लेमन है उसको अगर आप कटिंग से लगाते हैं तो उसमें थोड़ा लेट आते हैं फ्रूट्स। आप एयर लेयरिंग से भी जो प्लांट है वो तैयार कर सकते हैं, एयर लेयरिंग के वीडियो भी हमारे काफ़ी हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसकी जो रूट वाल है उसको हमें डैमेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो रूट्स है वो सारी बाहर निकली हुई है, तो जैसे ही हम इस प्लांट को हमारे सोइल के अंदर लगाएंगे तो ये जल्दी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। मैं थोड़ी सी मिट्टी इसकी नीचे से और थोड़ी सी ऊपर से रिमूव करता हूँ, इसका कारण ये है कि जो पॉट है उसकी हाइट
थोड़ी सी कम है, तो ये अच्छे से उसमें जो है यानी कि जो रूट्स वाले हिस्सा है वो सारा पॉट के अंदर आ जाए, इसलिए तो नीचे से थोड़ा सा हम लूज करके इसको साइडों में फैला देंगे इसकी रूट्स को। आई थिंक अब ये जो है ईजिली हमारे पॉट के अंदर आ जाएगा। और फिर हम इसको ये देखिए इस तरह से अब ठीक है। अब इसके अंदर हमें और जो सॉइल है वो ऐड करना होगा, तो इसमें और सॉइल हम ऐड कर देते हैं। दोस्तों इसकी केयर की बात करें तो इसको क्या प्लांट को आपको धूप में रखना होता है, और वाटरिंग की बात करें तो सॉइल के अंदर नमी हमेशा इसके अंदर बना के रखें तो प्लांट आपका अच्छे से ग्रो करेगा। बिल्कुल ड्राई सॉइल मत कीजिएगा इसका। पॉट के अंदर थोड़ी सी जगह है जरूर खाली छोड़े ताकि जब वाटरिंग करें तो पानी इसमें रुक सके, क्योंकि हम बोनसाई की तरह नहीं इसको रखना, इसके अंदर क्या पानी देना है और अच्छे से देना है, तो बिल्कुल ऊपर तक भर देंगे तो पानी इसके अंदर दिया नहीं जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा खाली छोड़े ताकि पानी जब डाल लें तो पानी सॉइल को सोखने के लिए थोड़ी देर यहाँ पे रुक सके। अब इसके अंदर वाटरिंग कर देते हैं। अगर आपके पास जो स्प्रे वाला पंप है वैसा है तो उससे वाटरिंग कीजिए, अगर वो नहीं है आपके पास तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप वाटरिंग करें हाथ को इस तरह से लगा लें पॉट के पास ताकि जो मिट्टी है वो ना कटे और पानी जो है एक साथ जाए और मिट्टी आपके बिल्कुल ना कटे, तो इसलिए हाथ लगाकर इस तरह से और फिर हम वाटरिंग करेंगे तो मिट्टी नहीं कटेगी। और दोस्तों तो इस तरह से आप भी जो प्लांट है नींबू का वो पॉट के अंदर ग्रो कर सकते हैं। इतना करने के बाद में हमें इसकी जो टाइम टू टाइम केयर जो है वो करनी होगी, यानी कि जो खासकर जो फर्टिलाइजर है वो आपको टाइम टू टाइम देना होगा और वाटरिंग का खासकर ध्यान रखना होगा। गर्मियों में खासकर वाटरिंग का ध्यान रखिए। और लेमन के अंदर एक प्रॉब्लम और आती है, डाई बैग की प्रॉब्लम आती है, तो डाई बैग की प्रॉब्लम आती है तो उसको आप क्या करें, जो इसका सूखा हुआ हिस्सा है जो ब्रांच होती है उनको आप पहले रिमूव कर दें और वहां पे जो फंगिसाइड आपके पास है वो लगा दें, तो उससे क्या है जो डाई बैग की प्रॉब्लम वो और आगे नहीं जाएगी। तो होप आपको वीडियो, अगर आप भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप चाहे तो हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मम्मल बोन साहब मेरी यूजर आईडी है, आप वहाँ पे अपनी जो फोटोज वगैरह है वो मुझे दिखा सकते हैं प्लांट की जो प्रॉब्लम वगैरह है वो। होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।